सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें कि मैं आज बिटवीन रिवरसाइड 120 बाय डीकैथलॉन के तीन टॉपिक्स के बारे में आज आपसे बात करना चाहूंगा। जिसमें पहला नंबर वन इसकी प्राइसिंग के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और इसके एसेसरीज के बारे में कुछ बात की थी, बट आज मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में और आपकी हाइट के हिसाब से कौन सी बाइक बिटवीन डीकैथलॉन रिवरसाइड 120 की कौन सी सही रहेगी, और नंबर तीसरा मेरा वेट कितना है और उस वेट के हिसाब से क्या ये बाइक मेरे को आसानी से कैरी कर सकती है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो प्राइसिंग है वो है 11,999 रुपीस, यानी कि 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए में आपको ये ब्यूटीफुल बाइक आपको डीकैथलॉन स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। दूसरी बात, 12,000 के ऊपर जब आप इसकी एक्सेसरीज लगाते हैं, मैंने एक्सेसरीज और उसके प्राइसेस के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बट 12,000 के ऊपर 2,000 रुपए देकर आप अपनी जो एक्सेसरीज हैं, लगभग 5-6 एक्सेसरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये तो बात रही प्राइसिंग की, 12,000 प्लस 2,000 यानी कि 14,000 तक आपकी बाइक जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैंने पहले भी बात की है, बाइक मेजोरली चार तरह की होती हैं, डेट इज योर माउंटेन, फैट, हाइब्रिड एंड रोड बाइक। ये है हाइब्रिड बाइक। तो हाइब्रिड बाइक का सबसे बड़ा ये फायदा ये रहता है कि देखिए, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा जो मैंने लास्ट टाइम अपना वेट मेजर किया था अराउंड 1 मंथ पहले, वो 110 केजीज था। जी हाँ, चौंकिए मत, 110 केजीज यानी कि 110 किलो मेरा जो वेट था। अब उस वेट कैटेगरी के लिए मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो मेरे वेट को कैरी कर सके, जो मेरी हाइट है 5'8" उसको कैरी कर सके। तो उसके लिए खास बात यह रहती है कि एक हाइब्रिड बाइक मुझे अपने वेट लॉस जर्नी के लिए काफी अच्छी लगी, क्योंकि वो इसमें आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरी हाइट 5'8" है और मेरा वेट 110 केजीज है। अब इसमें आप देखिए, बाइक ये जो है डीकैथलॉन रिवरसाइड 120, ये तीन साइजेस में आती है, स्मॉल साइज, मीडियम एंड एक्सेल साइज। अब ये जो साइज है ये आपका एम साइज है, यानी कि मीडियम साइज। अब डीकैथलॉन की वेबसाइट पे या ऐप पे एक बहुत ही अच्छा चार्ट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि ताकि आप अपनी जो बाइक है हाइट के हिसाब से इजीली चूज कर सकें। अगर आपकी हाइट 5'5" to 5'4" है तो आप स्मॉल साइज परचेज कर सकते हैं रिवरसाइड 120 का। अगर आपकी हाइट 5'4" to 5'8" 9" तक है तो आप मीडियम साइज चूज कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5'9" से लेकर 6'1" to 3'4" तक भी है तो आप लार्ज साइज के लिए जा सकते हैं। और मेरा वेट 110 केजीज है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा वेट को ये इजीली कैरी कर लेती है। मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही स्टडी के बाद ये बाइक चूज की थी, जो कि मेरा वेट, मुझे बहुत टेंशन थी कि क्या हाइट और वेट के हिसाब से कोई बाइक मेरा वेट कैरी कर पाएगी। तो हाइब्रिड बाइक जो होती है वो बहुत इजीली, जो कि ऑफ रोड ऑन रोड के लिए बनी होती है, बहुत इजीली आपके वेट को कैरी कर पाती है। तो आज हमने बात करी एक तो इसकी प्राइसिंग के बारे में, जो कि 12,000 प्लस 2,000 आप एक्सेसरीज लगा सकते हैं। दूसरी, आप निश्चिंत, बेफिक्र, रिलैक्स हो जाइए, आपके वेट को ये इजीली कैरी कर पाएगी। तो बहुत ही अच्छी बाइक है। अब मुझे राउंड अबाउट 2 वीक हो चुके हैं इस बाइक को चलाते हुए। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप रिवरसाइड 120 डीकैथलॉन के बारे में और क्या स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं और क्या डिटेल्ड रिव्यू जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपको और ऐसी ही रिव्यूज, ऑनेस्ट रिव्यूज आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।